والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ومن الناس أجمعين. सबसे बड़ी बात यह है कि अमल का भी मौका।
हम अगर चाहें कि हम अमल कर लें तो हमारे लिए बहुत आसान है, चाहने की बात। इंसान जब चाह लेता है तो बड़ी बड़ी मुश्किल मंजिलें उसके लिए आसान हो जाने लगती हैं। आप कहीं ऐसे एकदम से समझ में तो नहीं आएगी, लेकिन जब गौर करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी करीब जमाने में सालों नहीं गुजरे, अभी चंद महीनों की बात है, आपने खूब अच्छी तरह अपनी आंखों से देखा भी है और सुना भी है और एक जवाब से बहुत सी जबानों से सुना और आपने नेट पे भी देखा होगा। कहां से चले आ रहे हैं? बंबई से। कैसे चले आ रहे हैं? पैदल। कहां से चले आ रहे हैं? ग्वालियर कोटला। कैसे चले आ रहे? पैदल। बोलो कि आपने ये बनाते सुने और देखे। अभी हम मिसाल के तौर पे कल शहीद जाना चाहे तो सड़क पर खड़े होंगे, इंतजार करेंगे, धूप में भी खड़े होंगे, सर्दी में भी खड़े होंगे। कोई अगर आगे के चुनाव से पूछे कहां जाना, कितने शहीद जाना, क्यों खड़े, तो सवाल ही नहीं इंतजार कर उनसे कुछ पूछे जो वहां से चल करके आ रहे हैं, सवाल की इंतजार नहीं। मैं एक बात ही ऐसे बात को समझा देना चाहता हूं, समझ में आ जाएगी कि चाहत क्या चीज है। अगर आदमी चाह लेता है तो बहुत लंबी मंजिलें सिमट कर उसके फतेह में आ जाती है, और जब आदमी नहीं चाहता है तो करीब की मंजिल उसे दूर नजर आने लगती है। बुजुर्गों की बात गलत नहीं होती, गलत नहीं होती, सही है, बिल्कुल यही बात, बिल्कुल यही आता। आज दुनिया और यह दुनिया की चमक हमारे इमामों को ऐसी असर कर गई, ऐसी असर कर गई। नमाज को बड़ी मुश्किल चीज है, हम सब सोचते हैं नमाज बड़ी बड़ी मुश्किल चीज है, सर्दी में वजू न करना बड़ा मुश्किल काम है। आओ मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, हदीसे पाक सुनो, ईमान ताजा हुआ। हम सबसे आला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं। हम सबसे अम्मा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह कल कयामत का दिन होगा, सारी कायनात का महिमा लगा होगा, बोलो कुछ तो भीड़ होगी नहीं होगी? होगी। सोच करके देखो, अपना बुरा नमाज, अपना बुरा नमाज है, कितनी भीड़ है, और जब सारी कायनात जमा होगी कितनी भीड़ होगी। हजरत आयशा ने बड़ा प्यारा सवाल किया और हमारी सोई हुई तबीयतों को जगा दिया। हजरत आयशा का सवाल कितना बस बस, ये फरमाए या रसूल अल्लाह कल कयामत का दिन होगा, सारे लोग जमा होंगे, हजरत आदम से लेकर कयामत तक आने वाले इंसान सबके सब जमा होंगे, आप अपनी उम्मत को कैसे पहचाने हैं? कितना अच्छा सवाल हुआ है, है? हम भी ये सोचने लगे, आदम भी आए, मूसा भी आए, ईसा भी आए, खलील भी आए, और ज़बीहुल्लाह भी आए, कलीमुल्लाह भी आए, 1,24,000 अंबिया आए, बिना माने की सलातो व सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, और सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो हमारे जहन में भी ये सवाल आना चाहिए कि कब कयामत का दिन होगा, हमारे महबूब नबी हमें कैसे पहचाने। हजरत आयशा ने हमसे 14 साल पहले ये सवाल करके इस उम्मत को बता दिया, और तसल्ली बख्श जवाब हमारे आका ने हमें देकर बता दिया। तो क्या सवाल किया? आप अपनी उम्मत को
कोई कोई भीड़ में कैसे पहचान गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आयशा ये तो बताओ कि बहुत सारे हुए हो सब साले हो और एक घोड़ा चित कमरा हो तो उन तमाम काले घोड़ों में चित कमरे घोड़े की पहचान नहीं हुई होगी 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 कभी कभी दूर से पहचान हो जाएगा बहुत दूर से पहचान होगी। आका बदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए आयशा जब उस सारी कायनात जमा होगी तो मेरी उम्मत के वुजू के आज़ा नूरानी होंगे चमकदार होंगे चमक रहे होंगे तो मैं पहचान लूंगा ये मेरी उम्मत है। और हमने क्या समझ लिया सर्दी में वुजू करना तो बड़ा महंगा या कौन जाए नमाज के लिए मेरे बुजुर्ग लोग जब जहन में ये बात आए तो ये सोच लो कि अगर ये आज़ा वुजू में ना भूले तो ये आज़ा चमकेंगे नहीं और जब चमकेंगे नहीं तो हमारे नबी हमें पहचानेंगे नहीं। आज बार के तो कहा जा रहा है आज बार बार कहा जा रहा है और आपके मुल्क के तमाम जिंदगाना आपके मुल्क के तमाम सियासतदान आपके मुल्क की मौजूदा पार्टी चीफ करते रह रही है कि अपने कागजात संभालो अगर कहीं संभाले तो मुल्क बना हो जाओगे। बोलो हराम के अपने कागजात तैयार करा था बिल्ला के तो बिल्ला नहीं हो रहे हो रहे तो हमने अपने उस दिन के भी कागजात तैयार कराने की सोची के लिए सोची जो मेरे मुझे सोचने की बात है काबिले एहसास बात है। मैंने जो अर्ज किया कि चाहने की बात है जब आदमी किसी काम को चाह देता है तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह के आने बड़े जबरदस्त आलिम और बड़े पाए के बुजुर्ग यूं आता है कि दोपहर का वक्त है जामा मस्जिद देखी सबने देखी है देखी के नहीं देखी चाहे गली की मस्जिद देखे ना देखे सुबह शाम मगर जब दिल्ली जाना होता तो एयरपोर्ट और जामा मस्जिद ये तो सब देख देख के तौबे होती लगते हैं मेरे है शौक। हजरत मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह के आने दोपहर का वक्त है ये तो सबने देखा लाल पत्थर मिशा हुआ देखा गया ना नंगे पांव मस्जिद के फर्श पर इधर जाते हैं उधर जाते हैं इधर जाते हैं उधर जाते हैं। किसी ने सवाल किया अगर गर्मी का सख्त दोपहर है पत्थर पर नंगे पांव आप मुस्तकिल चल रहे हैं इसकी वजह क्या है तो यूं फरमाया कोई अफसुर्दगी के साथ कि अगर कल कयामत के दिन इस्माइल के बारे में जानवर का फैसला हो गया तो कम अज कम थोड़ी सी आदत यहां तो डाल डाल अरे ऐसे ऐसे अल्लाह वाले ऐसे ऐसे अल्लाह वाले हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह कितने जबरदस्त इमाम है चार इमामों में से एक इमाम हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह आखिरी वक्त है बेटे बैठे हैं दुल्हन बैठी है खानदान वाले बैठे हैं बराबर में बैठे हुए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि हजरत की जबान पर ये कलिमा जारी हो जाए। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो एहसास पैदा होगा सोई हुई तबीयत जागेगी हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह गर्दन हिलाते जा रहे हैं सारी जिंदगी दीन में गुजरी सारी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजारती और लोग इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है सब लोग आसपास बैठे कलिमा पढ़ रहे हैं और हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह गर्दन हिला रहे हैं खुदा की कुदरत थोड़ी देर के बाद इफाका हुआ इफाका से मुराद यानी कि होश तबीयत में थोड़ी चुस्ती पैदा हुई हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह के आने की औलाद में आपके खानदान वालों ने यह पूछा कि अभी अभी हम कलीमे की तलबी कर रहे थे आप गर्दन क्यों हिला रहे थे यूं
फरमाया मैं कलीमा पढ़ने से मना नहीं कर रहा था। सुन लो, मैं कलीमा पढ़ने से मना नहीं कर रहा था, बल्कि मेरे सरहाने शैतान बैठा था और वो ये कह रहा था, ओ मोहम्मद इब्न अहमद, तू सारी जिंदगी मुझसे बचता रहा और अब तो इस दुनिया से जा रहा तो मुझसे बच निकला, तेरे ऊपर मेरा काम न चल सका तो मैं उसके स्वर पर ले कह रहा था, अभी कोई भरोसा नहीं है, अभी कोई भरोसा नहीं है, अभी मेरे साथ बाकी है, भरोसा जब होगा जब मेरा आप सांस तुझसे जुदा होकर गुजर जाएगा। इस पर से बदल नहीं आ रहा था, मैं कलिमा पढ़ने से मना नहीं कर रहा था, मुझे मौत भी नजर आ रही थी, मुझे शैतान भी नजर आ रहा था, शैतान का हमला भी हो रहा था, मैं शैतान के हमले का जवाब भी दे रहा था। तो मेरे बुजुर्गो ऐसे ऐसे पाए के बुजुर्ग आखिरी वक्त में शैतान से डर रहे, अल्लाह की कुदरत से घबरा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ, हमें सबको सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? ये वाकियात ऐसे नहीं होते, ये वाकियात वक्त गुजारी के लिए नहीं होते, ये अपनी सोई हुई तबीयत को जगाने के लिए होते हैं। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम अपने सोच शाम के आमाल पर गौर करें, हमें बेफिक्री किस बात पर है, हमें लापरवाही किस बात पर है, हमने आंखें क्यों बंद कर रखी है, हमने आमाल का सिलसिला क्यों खत्म कर रखा है, हम इन बुजुर्गों की जिंदगी से सबक लें, हम ऐसे औलिया अल्लाह की जिंदगी से सबक लें, इनकी जिंदगी कैसे गुजरी है, इनका आखिरी वक्त कैसे गुजरा है, इनके ऊपर कैसे फिक्र थी, इनकी तबीयत कैसे थी, इनके आमाल कैसे थे, इनकी जिंदगी कैसे थी, हम अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें तो फिर अल्लाह सारी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। ये है कि जब इंसान चाहता है तो सब कुछ कर लेता है, और जब इंसान नहीं चाहता तो फिर कुछ नहीं कर पाता है। नमाज के लिए उठने में बिस्तर में सजी होती है, ईमानदारी से बताओ, जब इस बिस्तर लगता है तो गर्मी कहां से आ जाती है? बोलो, ये हमारे साथ होता क्या? नहीं होता, नहीं होता मेरे बोलो। जब इस्तिंजा लगता है ना किसी को जगाने की जरूरत पेश आ रही, ना किसी को उठाने की जरूरत पेश आ रही, ना किसी को रास्ता बताने की जरूरत पेश आ रही, खुद कहो लिहाज को फेंक देता है और जल्दी से जब पर तलाश करता है और रास्ता ढूंढता है, अपनी जरूरत को पूरा करता है। इसको हमने अपनी जरूरत समझा है, हमने अपनी जरूरत नहीं समझा है, दुनिया को हमने अपनी जरूरत समझा है, आखिरत को हमने अपनी जरूरत नहीं समझा है, जिंदगी को हमने अपनी जरूरत समझा है, हमने मौत को अपनी जरूरत नहीं समझा है, ये दुनिया में रहना है जरूरी समझा है, हमें मरने के बाद अल्लाह के पास ले जाना है इसको जरूरी नहीं समझा है, जिंदगी के सामान आ जाए इसको जरूरी समझा है, आखिरत की आखिरत इकट्ठा हो जाए इसको हमने जरूरत नहीं समझा। बस ये है समझने की बात, समझ लीजिए आमाल का रास्ता थोड़ा नजर आएगा और जब तक नहीं समझेंगे आमाल का रास्ता मुश्किल और बंद नजर आएगा। जरूरत इस बात की है हम सब इस बात का एहसास पैदा करें, अल्लाह ऐसी तौफीक हम